चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। भाई यहाँ से अजमेर की दरगाह कितना दूर है? 1-2 किलोमीटर होगा भाई। वैसे हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, मुसलमान तो दिखता नहीं है, काम क्या है? देखो वहाँ भाई 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, इसलिए तो वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे जात धर्म का मामला ही नहीं है, से कम खाऊंगा भूख तो मिट जाएगी। शिवा भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मुसलमानों से दोस्ती रखता है यार? हेलो भाई, कुछ लड़के बहन को छेड़ रहे हैं। क्या? अरे साजू भाई, आपकी बहन को नहीं, शिवा की बहन को। अबे बात तो एक ही है। नौजवानों, यस सर, पीछे मुड़ो। अबे तू क्यों नहीं मुड़ा पीछे? सर आपने नौजवानों के लिए बोला था, मैं तो सुना हूँ। खाना खाया? नहीं खाया। एक सेकंड होल्ड करना ना। हेलो चाहत, मेरे बाबू ने खाना खाया? कहाँ बिजी था तुम्हारा फोन? नहीं किसी से नहीं, बस अपने फ्रेंड से। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हो रहा है? फोन नंबर नंबर पूछो यार, एड्रेस पूछो, टाइम बताने वाला लग रहा हूँ मैं। अरे तो फिर नंबर दे दीजिए ना। सॉरी आई हैव अ गर्लफ्रेंड। अरे ऐसी लड़की कहाँ है जिसका दिल खूबसूरत हो, उसका चाटा गाल पे पड़े तो। इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर ऐसे फेंकने। जाने में तूने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया, अगर तू अभी उसे सॉरी बोलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी करेंगे, वरना ऐसी पिटाई करूंगा कि इतनी दवाइयां भी कम पड़ जाएंगी। अब जल्दी बता दे, तू आखिर चाहता क्या है? पार्टी या पिटाई? पार्टी या पिटाई? पार्टी। मानता हूं पतला हूं, मोटा नहीं हूं, थोड़ा लंबा हूं, छोटा नहीं हूं, हां सांवला हूं, गोरा नहीं हूं। मानता हूं लाख बुराइयां होंगी मेरे अंदर, पर यार दिल का बुरा नहीं हूं मैं। अबे जाना बोलना। हाय जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हिम्मत कर और आई लव यू बोल। ये भाई जी जी तू कार ही पड़ जाएगी धूप में। हम सुबह 6 बजे तक तेरी गैल लगे घूम रहे हैं और यू टाइम आ गो, हम तो काले हुए नो, और तेरी बाबू तेरे बच्चा काले हो जाएगा, यू भी तो किसी को बाड़ेगा, यू नो हो रहा काला। आज तो टिकटॉक का ऐसा वीडियो बनाऊंगा ना कि रातों रात साले को वायरल। किसी ने कहा कि KTM खरीद लो, लड़की पट जाएगी, क्या उसने तुम्हें ये बताया? मत पूछ के गुजरे हैं किस किस मकाम से, मत पूछ के गुजरे हैं किस किस मकाम से, बस नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, मोहब्बत के। बेंगलोर ने मेरे लिए काम करना है, अगर कर दिया तो पूरी बंबई तेरी। ओए बेटा, तेरे बाप की फैक्ट्री में काम करता था मैं। नहीं। या तेरे बाप से कभी पैसा उधार लिया था क्या मैं? नहीं। तो चिल्ला क्यों रहा है? धीरे भी तो। ये दाढ़ी किस लिए? कोई मन्नत है? नहीं नहीं, मन्नत क्यों मांगूंगा, ऐसे ही अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखता है। भाई इसी ने मारा मुझे, साले अपुन को मारता है ना, देख शहर के नामचीन गुंडे लाया तेरे को मारने के लिए, भाई अच्छे से मारो इसको। सलाम भाई। गूगल, टिकटॉक का अगला सुपरस्टार कौन होगा? टिकटॉक का अगला सुपरस्टार आपके बाजू में है, जो अभी आपके साथ ड्यूएट बना रहा है।
भाई सॉरी बोल रही है ब्लॉक करने के लिए। बेबी तुमने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया था ना, अब एक काम कर इंस्टा और फेसबुक पे भी ब्लॉक कर दे और टिकटॉक पे मुझे सर्च कर सर्च कर। देखो पता है लड़के और लड़की के प्यार में क्या फर्क है, वो काम खत्म करके फ्री होने के बाद हमसे प्यार करती है और हम लड़के काम धंधे पे लात मार के सिर्फ प्यार करने के चक्कर। बिहार के लड़का बतियावेला कम आ लतियावेला जादे, ए बाबू बिहार के लड़का बतियावेला कम आ लतियावेला जादे, ट्राई करे के बा तो कौनो बिहार के लड़का के सामने से गरिया। भाई भाई तुम मुसलमानों में एक चीज बहुत अच्छी लगती है भाई। क्या भाई? भाई आप लोग कुर्ता बहुत प्यारा प्यारा पहनते हो यार भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई। अगर जिंदा बचा तो अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाना। मैंने तुझसे कहा था ना, इस खेल में दम की जरूरत होती है, अगर दम है तो ये खेल जीत कर दिखा। तूने अपनी पसंद तो बता दी, अब मेरी सुन। आई डोंट लाइक यू।